हे वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मूवीज कैट में। तो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट फिल्में, जिसके अंदर एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री, थ्रिलर मूवीज देखने को मिलेगी। अगर आपको हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ के रिसेंटली रिलीज हुई मूवी देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 की मूवी है जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। ये 2019 में आई थी, एक्शन एडवेंचर कॉमेडी पर बेस्ट मूवी है। इस मूवी को रेटिंग मिला 6.7 की। अब आप लोग यही बोलोगे, भाइयों ये मूवी 50 बार देख चुका हूँ, क्यों लेके आए हो? ये मूवी भाइयों मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि YouTube पर फुल लिंक के साथ ओरिजिनल प्रिंट क्लीन ऑडियो में अपलोड किया हूँ, जिसे देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं और डेटा खर्च करने की जरूरत नहीं है जिस भाई को अगर देखनी हो। हमारी नंबर 9 पर मूवी है पार्कर। ये 2013 में आई थी, एक्शन क्राइम थ्रिलर पर बेस्ट मूवी है। इसमें रेटिंग मिला 6.2 की। इसमें आपको जेसन स्टैथम के साथ साथ लीड रोल में देखने को मिलती है जेनिफर लोपेज। ये एक हाई सेशन मूवी है जिसमें आपको कहानी देखने को मिलती है एक चोरों की टीम की। इसका लीडर होता है जेसन स्टैथम, लेकिन एक बार बड़ी चोरी के बाद जेसन स्टैथम के टीम मेंबर उसके साथ धोखा करके उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। तो एक रॉबरी मूवी के साथ साथ एक्शन मूवी है, तो इसे आप जरूर देखें। हमारे नंबर 8 पर एक मास्टरपीस मूवी है ट्रेन टू बुसान। ये 2016 में आई थी, एक्शन हॉरर थ्रिलर पर बेस्ट मूवी है। इस मूवी को रेटिंग मिला 7.6 की। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है साउथ कोरिया की, जहाँ पे बहुत सी डेडली फ्लैग फैल जाता है, एक महामारी फैल जाती है जिसके वजह से लोग इंस्टेंटली डेडली ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और यही फ्लैग फैल चुका है एक ट्रेन के अंदर जो बुसान की तरफ जा रही है, और उस ट्रेन के ड्राइवर ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ट्रेन में मोस्ट ऑफ द लोग ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही लोग ट्रेन के अंदर नॉर्मल है। वो लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं वो सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। हमारी नंबर 7 की मूवी है इनविजिबल बॉय। ये 2014 में आई थी, एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पर बेस्ट मूवी है। इस मूवी का रेटिंग मिला 6.2 की। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही कमजोर लड़के की, जो स्कूल या पार्टी वगैरह में जाता है तो उसे बेकार लड़के उसे परेशान करते रहते हैं, उसे सब लूजर कहते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, वह सब सुन सुन कर परेशान हो जाता है। लेकिन कहानी में टूस तब आती है जब उनके दोस्त उसे अपने पार्टी में बुलाते हैं तो उसे वहां पर गायब होने वाली सुपर पावर्स मिलती है। और माइकल के स्कूल से भी कुछ बच्चे गायब दिन पर दिन हो रहे होते हैं, कुछ खतरनाक लोग होते हैं जो इस बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। आखिर कौन बच्चा है जो गायब हो सकता है, तो आखिर इस मूवी पूरी मिस्ट्री क्या है, वो सब आप इस मूवी में देखिए। हमारी नंबर 6 की मूवी है ड्रैगन नेक्स्ट वॉरियर डाउन। ये 2014 में आई थी, एनिमेशन एडवेंचर पर बेस्ट मूवी है। इस मूवी को रेटिंग मिला 6.3 की। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक नाइट की, जिसका पूरा साम्राज्य बहुत ही बड़े खतरे में है क्योंकि एक ब्लैक ड्रैगन उसके साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने वाला है। उसमें उसका पूरा राज्य तबाह हो सकता है क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसे ही अपनी वॉरियर्स की एक फौज लेके निकल पड़ता है उस ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए। क्या इसमें ये सफल हो पाता है या नहीं, वो सब आप इस मूवी में देखिए। हमारी नंबर 5 पर मूवी है अंडरवर्ल्ड। ये 2003 में आई थी, एक्शन फैंटेसी थ्रिलर पर बेस्ट मूवी है। इस मूवी का रेटिंग मिला 7 की। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है सलीना नाम की एक वैम्पायर वॉरियर की, जिसको एक मिशन पर भेजा गया है। ऊपर वहां पे वह कुछ वेयरवुल्फ या भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और बहुत ज्यादा चौंक भी जाती है क्योंकि उसको ये बताया गया था कि इस पृथ्वी के ऊपर भी वेयरवुल्फ नहीं बचे हैं, उन सबको इनके राजा ने, वैम्पायर्स के राजा ने मार दिया था। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसका पता लगाने के लिए सलीना जाती है अपने लीडर के बताती है, पर वह लीडर इस बात को मानने से बिल्कुल भी कार कर देता है। आगे सलीना क्या करती है वो सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। हमारी नंबर 4 पर मूवी है कॉल ऑफ हीरोज। ये 2016 में आई थी, एक्शन एडवेंचर क्राइम पर बेस्ट मूवी है। इस मूवी का रेटिंग मिला 6.4 की। दोस्तों आपने हिस्ट्री में एक नाम तो ही सुना ही होगा, चंगेज खान की, जिसकी सेना जहां भी जाती लूट और खून खराबा मचाती थी। तो वैसा ही एक तानाशाह इस फिल्म में दिखाया गया है, काओ यंग, जिसने हर जगह तबाही मचा रही है और एक एक करके सभी शहर और गाँव को बर्बाद करता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक गाँव पुचोंग, जिसकी सेना युद्ध पर गई है और रक्षा करने की जिम्मेदारी शेरिफ और उसके साथी ने ले रखी है। इस मूवी में एक करेक्टर और है, वो है मा फोंग, जो एक कमाल का फाइटर होता है और किसी को भी पता नहीं होता है उसके बारे में। तो आगे मूवी में क्या एक्शन एडवेंचर वॉर होता है वो सब आप इस मूवी में देखिए। हमारे नंबर 3 पर एक जबरदस्त मूवी है डंजन्स एंड द ड्रैगन ऑनर अमंग थीव्स। ये 2023 में आई है, एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पर बेस्ट मूवी है। इस मूवी का रेटिंग मिला 7.6 की। अब दोस्तों ये कमाल की मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है किंग की, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी एडवेंचर सफर पर निकलता है ताकि वो एक ऐसी चीज को ढूंढ सके जो कि उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। पर उस चीज को हासिल करना इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि वो मामूली चीज नहीं है। तो इस एडवेंचर सफर पर इन सभी के साथ क्या होता है वो सब आप इस मूवी में देखिए। हमारे नंबर 2 पर एक माइंड ब्लोइंग मूवी है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये 2015 में आई थी, एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन पर बेस्ट मूवी है। इस मूवी का रेटिंग मिला
6.1 की। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है पोस्ट एपोकलिप्टिक वेस्टलैंड वर्ल्ड की, जहां पर अब पृथ्वी लगभग बर्बाद हो चुकी है, बहुत कम इंसान बचे हैं, पूरे पृथ्वी बंजर है और पानी के लिए लोग मरते रहते हैं। लोगों के पास खाने के लिए पीने के लिए सामान नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बुरा बहुत ही निर्दय आदमी जिसके पास सारी चीजें है, पानी भी है, खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो इन चीजों को देना नहीं चाहता है क्योंकि वो एक डिफेक्टर है और वो किसी को जीने नहीं देना चाहता है, वो सिर्फ अपने लोगों को ही जीने देना चाहता है। ये लोगों को जबरदस्ती बंदी बनाता है, लोगों से काम करवाता है। तो आखिर पूरी मूवी की स्टोरी क्या है, वो सब आप इस मूवी में देखिए। नंबर वन और लास्ट की मूवी है द डिटेक्टर। ये 2012 में आई थी, कॉमेडी पर बेस्ट मूवी है, इसमें रेटिंग मिला 6.4 की। दोस्तों आपने किम जोन का नाम सुना ही होगा, तानाशाह नॉर्थ कोरिया का, जिसने दुनिया का जीना हराम कर दिया था एक समय पर आपने ये कभी सोचा होगा कि कोई डिक्टेटर हो जिसका दिमाग उसके घुटने में हो तो क्या होगा, तो वो सारा चीज आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर कमाल के कॉमेडी सिक्वेंस क्रिएट होते हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी।